नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले तो समस्त छात्र समुदाय का धन्यवाद अदा करते हैं कि आप लोगों ने एक प्रचंड जीत टाइगर ग्रुप की और छात्र हितों की एक जीत जबरदस्त आपके कारण संभव हो पाई है। और जिस वादे के साथ, जिस भरोसे के साथ आपने हमें वोट किया है कि आपका परिसर बेहतरीन बनाएंगे, SHJU को बेहतरीन बनाएंगे, तो हम उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। 7 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया, 8 तारीख से हम कैंपस में मौजूद हैं और बीच में छुट्टियां थी और उसके बाद कल से कैंपस खुला है। कल भी हमने परीक्षा की डेट आगे बढ़वाई। जिन जिन विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने छूट गए थे उनकी डेट आगे बढ़वाई गई है, आप लोग समय रहते फॉर्म भर लें। लेकिन सबसे जरूरी बात जो हम कहते हैं कि हमारा लक्ष्य बेहतरीन SHJU, हम उस दिशा में निरंतर अग्रसर हैं। आज हम पहुंचे हैं BCA डिपार्टमेंट में, BCA BFA के जस्ट नीचे, और हमने यहाँ के विद्यार्थियों से वादा किया था कि हम यहाँ की जो चीज़ें हैं, जैसे पंखे ऊपर के हम हालात देखते हैं तो पंखे मोड़ दिए गए हैं, कभी सफाई यहाँ पर नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। और एक बात मैं सख्त शब्दों में विभागाध्यक्ष मैडम को मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, पारुल मैडम से, कि मैडम हमने आपको चुनाव से पहले भी कहा था कि इस यहाँ पर विभाग में सफाई होनी चाहिए, यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी है, इतनी ज़्यादा अव्यवस्थाएं हैं, इसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन आपके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात है, इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जल्द से जल्द, अभी हमारी उनसे बात भी हुई है, उनके द्वारा हमसे कहा गया कि सोमवार को मैं कॉलेज में पहुंचूंगी, और हमने कहा कि उससे पहले आप इस विभाग की सफाई कराएं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि चुनाव से पहले भी यहां के हालात और अभी भी यहां के ऐसी हालात, आप देखिए किस तरह प्रशासन ने पूर्व की सरकारों के द्वारा, पूर्व के छात्र संघों के द्वारा कितना निकम्मा काम किया गया, उनके द्वारा कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया, तभी इन बच्चों के ये हालात है। आप देख सकते हो, आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के हालात क्या बना दिए गए। क्लास के हालात दिखाओ, इनकी गंदगी दिखाओ, पीछे लेके चलो, ये यहाँ से दिखाओ, आगे से दिखाओ, हालात देखो, गंदगी दिखाओ, गोबर पड़ा हुआ है, किसी को कोई सुध नहीं है। एक बार स्पष्ट शब्दों में किस तरह के हालात BCA विभाग के यहाँ पर बना दिए गए। और इस बात को हमने छात्र संघ चुनाव से पहले भी मैडम से कहा था, लेकिन हमारी समझ नहीं आता कि किस तरह का काम कर रहे हैं। ये यहाँ के वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट पूरा दिखाओ, कोई शर्म वाली बात नहीं है, दिखना चाहिए लोगों को कि क्या हालात हो रखे हैं यहाँ पर के। और ये बात मैडम तक भी पहुँचनी चाहिए, उनको हम कई बार कह चुके हैं, नींद में यूनिवर्सिटी चल रही है, ऐसे विभागों के हालात हैं। ये देखो ये हालात हैं पूरे, ये देखिए, ये नीचे दिखाओ मैडम को, दिखने चाहिए विभाग के हालात क्या है, पूरा पंखों तक लेके जाना है इसको। ये हम विभाग से दूसरे विभाग की तरफ पहुंचे, दूसरी बिल्डिंग की तरफ पे, और भाई पूरा दिखाओगे हालात, दिखाओ पूरा, ये ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना वॉशरूम्स है, वॉशरूम ये, और दिखाओ पहले, ये हालांकि जेंट्स ऐसे लिखा जाता है, टॉयलेट ऐसे लिखा जाता है, और ये BCA है, ये वही विभाग है जहाँ पर 21,000 22,000 23,000 रुपये फीस ली जाती है, और ये इन विभागों के हालात हैं पूरा। देखो ये दिखाओ, कर लीजिए ये पंखे दिखा के लाओ, तब तक रहोगे नहीं, पर पंखा दिखाओ, पंखों के हालात दिखाओ, ऊपर से पूरे दिखाओ, पंखे दिखाओ पूरा, ऊपर कर पंखे दिखा, जूम कर उस पर पूरा, उधर वाले भी दिखाओ जो इधर पूरे, ये पूरी को भी दिखाना पीछे से, पूरा आगे से ये गोल्डी की व्यवस्था अच्छी से नहीं है, पूरा पूरा ये वायर की हालात है, कनेक्टिविटी है, और ये BCA विभाग है जहाँ पर 30,000 22,000 ऐसा शुल्क लिया जाता है, यही सुना दें। एक बात हम स्पष्ट शब्दों में विभागाध्यक्ष मैडम से कहना चाहते हैं कि हम SHJU को बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं लगातार। 7 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद आज 17 तारीख है, 10 दिन में हमने जबरदस्त काम किया है और हम आगे भी करते रहेंगे विभाग में। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे परिवर्तन कैंपस में हो रहे हैं, टीचर्स टाइम पर पहुँच रहे हैं, क्लासेस भी हो रही है,
और ये संभव हो पाया तो हमारे छात्रों, तो मैं आपने जो भरोसा हम पर किया है, हम पर जो भरोसा आप लोगों ने दिखाया उसके कारण। लेकिन एक बार बीसी विभाग की विभाग अध्यक्ष मैडम को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर आप काम नहीं करवाते तो बिल्कुल आप कुर्सियां निर्जीव लोगों के लिए नहीं बनी हुई, हम भी मजबस्ती कर सकते थे, आप लोगों ने वोट किया था, जिताया था, हम भी बाहर घूम सकते थे, लेकिन नहीं, जिस व्याप जिस भरोसे के साथ आपने हमें वोट किया, हम उस पर निरंतर संघर्ष रहते हैं, लगातार प्रत्येक दिन हम पूरा कैंपस घूम रहे हैं। केवल हम चुनाव में वोट अपील करने के लिए नहीं आए थे, आज हम विद्यार्थियों से मिल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मैं सुबह राहुल चंद धामी को देखता हूँ कि 10 बजे गेट पर वो वैसे ही खड़े रहता है जैसे वो वोट अपील करते टाइम खड़े रहता था, बहुत अच्छी बात है। और राहुल चंद धामी के लिए अध्यक्ष जी भी कहते थे कि काम नहीं करोगे तो अगली बार आपको भी सत्ता से बाहर फेंक दिया जाएगा, बिल्कुल ये नियम सभी के लिए लागू होते हैं। लेकिन विभाग अध्यक्ष मैडम से फिर से कहना चाहता हूँ कि इन विभागों की सफाई करवाइए और तुरंत दशा में करवाइए। वो इतना ज्यादा शुल्क जो विद्यार्थियों के द्वारा दिया गया, ये खाली नहीं दिया गया, उनके माता पिताजी के द्वारा बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा, ये दशाएं ऐसे हालात देखने के लिए नहीं किया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैडम से कि इसको तुरंत दशा में काम करवाइए, क्योंकि अच्छा काम हम लगातार कर रहे हैं लेकिन ऐसे विभागों के हालात हमारी भी रेपुटेशन खराब करते हैं, विभाग की भी रेपुटेशन खराब करते हैं, और सबसे जरूरी बात विश्वविद्यालय की भी रेपुटेशन खराब करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, संदेश बीसी विभाग के विभाग अध्यक्ष मैडम के पास पहुंचना चाहिए कि जल्द से जल्द विभाग में सफाई करवाइए और तुरंत इनकी कक्षाओं के हालात में सुधार करवाइए। बाकी जो चीज़ें हैं, व्हाइट बोर्ड लगाने वाली बात और सारी चीज़ें, वो हम करवाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, आप सभी का साथ, आप सभी का सहयोग और आपका आशीर्वाद यूं ही हम पर बना रहे और हम यूं ही छात्रों में निरंतर अग्रसर रहेंगे और काम करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।